मुझसे काफी लोग पूछ चुके हैं कि कौन सा वेबकैम लेना चाहिए या बजट में कौन सा वेबकैम है। और अगर मैं आपको बताऊं आपका वेबकैम का काम बिना खर्चे के हो जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे आप अपने स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो। देखो यार, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है तो हम स्मार्टफोन को वेबकैम बना सकते हैं अपने पीसी पे। उसका एक बहुत इजी सा मेथड है, काफी लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा वो वीडियो में बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने स्मार्टफोन में और इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। शुरू में इसमें कुछ परमिशंस वगैरह आएंगी, वो आप अलाउ कर देना। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हमें पीसी की स्क्रीन पे आ गए। आपको गूगल पे सर्च करना है ड्रॉइड कैम, पहले नंबर पे आपको ये लिंक मिल जाएगा DEV47 apps करके, और नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा डाउनलोड विंडोज क्लाइंट। तो मैं पहले बता दूं ये विंडोज और लिनक्स पे अवेलेबल है, मैक पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हम विंडोज को पे क्लिक कर देते हैं और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी डाउनलोड। तो कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी डेस्कटॉप पे। आप इसको डबल क्लिक करना और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो अपने सामने। इसके अंदर तीन ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वाईफाई, यूएसबी और वाईफाई सर्वर वाला। तो हमारे को वाईफाई सर्वर से कोई काम नहीं है, हमारे को वाईफाई और यूएसबी का काम है। तो आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका फोन और आपका पीसी सेम कनेक्शन पे अवेलेबल होगा तभी आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। और वाईफाई में थोड़ी सी लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, इसलिए हम यूएसबी वाला मेथड बताने वाले हैं। तो यहाँ पे यूएसबी आपको सेलेक्ट करना है। अब यूएसबी मोड से आपको कनेक्ट कैसे करना है अपने फोन को, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना, एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है फोन के अंदर। आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है और अपने फोन की सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में जाना है। अब अलग अलग फोन का अलग अलग फीचर होता है। अब मैं तो OnePlus 8 के हिसाब से कर रहा हूँ, अब अपने फोन के हिसाब से देख लेना कि डेवलपर ऑप्शंस कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो बिल्ड नंबर को हमारे को टैप करना है। तो हर फोन में क्या होता है, आपको बिल्ड नंबर को टैप करना होता है 5-6 बार। तो आप देख सकते हो मेरे फोन में लिखा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शंस ऐड हो गया है, वरना पहले नहीं आता ये। अब आपके फोन का कैसे होगा वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, हर फोन में अवेलेबल होता है जितने भी एंड्रॉइड फोन है। तो डेवलपर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे ऊपर आपका ऑन होना चाहिए डेवलपर ऑप्शन, ये ध्यान रखना, वैसे तो ऑन हो जाएगा। उसमें स्क्रॉल डाउन करके कोई भी सेटिंग्स मत छेड़ना। यहाँ पे नीचे आप देखोगे यूएसबी डीबगिंग दिखेगा आपको, यूएसबी डीबगिंग को आपको करना है टर्न ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी डीबगिंग आपकी टर्न ऑन। तो हम अपना फोन यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से। तो फोन कनेक्ट करने के बाद जो सेकंड नंबर पे आपका यूएसबी वाला जो साइन आ रहा है, आपको इस साइन पर रहना है और यहाँ पे जो ये रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश क्लिक करना। तो रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके फोन की स्क्रीन पे। तो फोन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, आपको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, यूएसबी डीबगिंग का कुछ ऑप्शन होता है तो आपको ऑलवेज अलाउ कर देना। उसके बाद आपका ये ऑप्शन हर बार पॉपअप होगा, तो अलाउ करने के बाद इसको फिर से रिफ्रेश करना है। तो जब आपका मॉडल यहाँ पे शो हो जाएगा तो आपको अपने फोन में ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आपको दबाना है स्टार्ट। तो आप देख सकते हो हमारा ये स्मार्टफोन एज अ वेबकैम यूज हो रहा है, ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरफेस आ गया वेबकैम का। तो इसको क्लोज नहीं करना है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमने खोल लिया अपना स्ट्रीमलैब्स OBS। मैं सिर्फ स्ट्रीमलैब्स OBS में ऐड करना बता दूंगा, बाकी अगर आपको जूम में ऐड करना है या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो सबके अंदर आप बहुत इजीली ऐड ऑन कर सकते हो। बस शुरू के ऑप्शन ये रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, और बाद में एप्लीकेशन के अंदर जाके तो आप वेबकैम के ऑप्शन में अपना इनपुट चेंज कर ही लोगे। तो इसमें दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने अपनी न्यू स्क्रीन क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम आप सोर्स ऐड करने वाले हैं। तो वेबकैम के लिए हम हमेशा वीडियो कैप्चर डिवाइस को ऐड ऑन करते हैं, तो आप आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर डबल क्लिक करना है। तो वीडियो कैप्चर का डिवाइस आप कुछ भी रख सकते हो, मैं XYZ रख देता हूँ, वेबकैम रख सकते हो आप इसका नाम, वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पे हम करेंगे ऐड सोर्स। तो वीडियो कैप्चर डिवाइस सोर्स ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे डिवाइस में ड्रॉप डाउन मेन्यू आप ओपन कर लेना और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रॉइड कैम सोर्स 3 और ड्रॉइड कैम सोर्स 2। तो यहाँ पे ड्रॉइड कैम सोर्स 2 आप सेलेक्ट कर देना। वैसे किसी किसी पीसी में सोर्स 3 भी चलता है, बट आप यहाँ पे सोर्स 2 कर रहा हूँ मैं अपने पीसी के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन का कैमरा वर्क कर रहा है और हम इसको कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे आ गया आपका ये। तो आप अपना फोन ऐसे कहीं भी प्लेस कर सकते हो सामने और एज अ वेबकैम आपका फोन यूज हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है। सबसे अच्छी बात ये आपको 60 fps प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको 60 fps प्रोवाइड करेगा आपका फोन अगर 60 fps वाला कैमरा है। तो गाइस ये था बहुत इजी सा मेथड, मैंने तो यहाँ पे स्ट्रीमलैब्स या OBS के हिसाब से बता दिया। तो अगर आप स्ट्रीमिंग के लिए नहीं देखना चाह रहे थे वीडियो और आपको किसी और ऐप में ऐड करना है तो बहुत इजी होता है। हर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर जैसे जूम के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो वहाँ पे जब आप वेबकैम सिलेक्शन करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉइड कैम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली सेम प्रोसीजर रहने वाला और कुछ नहीं रहने वाला। तो आप भी अपना वेबकैम सेटअप करने वाले अपने फोन से तो आपका बच गया खर्चा। मुझे बोल दो थैंक यू, मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गेमिंग।